आज तबीयत भी ऐसी है, पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा घर पर। यूट्यूब पे समझे नहीं पीछे से वो कर रहा हूँ, ये लौकी लग रही सिर में बार बार जब हम लोग जा रहे इधर से। तो ये और ब्लॉगर पहुंच गए भगवत नगर में। मैं बैठा हूँ भगवत भाई के साथ में, जो परसों ब्लॉगर दिखाए थे मैंने, उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग पैलक, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, होप करता आप सब अच्छे होंगे। और मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ आज, क्योंकि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कोल्ड लग गया मेरे को। तो कल गर्मी से आया था, उसके बाद फिर कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, फिर गर्मी में मतलब ठंडा गर्म जो था वो लग गया है, तो इसीलिए ठंडा लग रहा है मेरे को। कल हल्का फुल्का फील हो रहा था, नाक में अजीब सा लग रहा था, बट आज पूरे तरीके से नाक जाम हो चुकी है, गला भी जाम हो चुका है, आवाज़ भी ऐसी आ रही है और आँखें ऐसी है कुछ, क्योंकि कल रात सही से नींद नहीं आ पाई थी, सिर भारी हो रहा था, सिर दर्द हो रहा था, तो मैं रात भर करवट लेने में ही था, इधर से उधर मतलब अपना पोजीशन चेंज कर रहा था, बस सो नहीं पाया। पर सुबह के टाइम पे दीदी काली मिर्च वाली चाय लेके आई थी, उससे काफ़ी रिलीफ मिला, बट उसके बाद नींद आ गई थी मेरे को। और अभी जस्ट उठा हूँ मैं थोड़ी देर पहले, और टाइम हो रहा है फिलहाल 8:52, और अभी उठ के मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ काफ़ी लेट में। जीजू सोमी को गाड़ी तक छोड़ने गए हुए हैं और दीदी लोग ऊपर हैं, नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं, मैं गोद में बैठा हुआ हूँ और ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप कि आप सबको ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, मंदिर के, भागवत कथा के, भजन कीर्तन हमारे अच्छे लग रहे होंगे, पसंद भी क्यों नहीं आएंगे यार, मंदिर की मतलब पूजा पाठ वाले और पॉजिटिव एनर्जी वाले, पॉजिटिव वाइब्स वाले ब्लॉग हैं तो काफ़ी पसंद आएंगे, ये मैं जानता हूँ। और फिलहाल आज भी वही रूटीन है, आज भी मंदिर में जाएंगे, भागवत कथा सुनेंगे, आरती दिखाएंगे, वही है। कुछ दिन और है, कुछ दिन और देखिए। फिलहाल उठता हूँ मैं, हाथ मुँह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ और उसके बाद फिर मिलता हूँ आप सबसे। तो अभी गाइस बारिश शुरू हो चुकी है, आज तो सुबह से ही चालू हो गई, मौसम ऐसा बना हुआ है, पार तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, आज सुबह से ही बारिश, पता नहीं कितने दिन बाद आज हो रखी है बारिश, वो भी सुबह से ही चालू हो गई, शाम तक पता नहीं क्या होगा। थोड़ा फीवर सा भी फील हो रहा है, बॉडी हीट हो रही है, आज तबीयत भी ऐसी है, पता नहीं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा घर पर। सुबह सुबह तबीयत ख़राब हो गया, मूड ऑफ हो गया, बारिश हो रही है तो सब लोग बैठ के बारिश देख रहे हैं। ये देखो ये जीजू, दीदी की सास और ताई जी, वो भी देख रही बारिश। तो अभी गए हम लोग जा रहे बसोली की ओर, जीजू मैं और दीदी की सास, समझनी पहला है वो हेटो पर समझनी पीछे से वो कर रहा हूँ, ये लौकी लग रही सिर में बार बार जब हम लोग जा रहे इधर से। चलते हैं नई रोड की ओर, सर्दी से मेरे कान बंद हो रहे हैं, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहरा हो गया हूँ मैं आज। फिलहाल लोड में पहुँच चुके हैं और सामान रखते हैं, फिर चलते हैं मसूली की ओर। गई दीदी के साथ में चली गई, अब हम भी करते कुछ काम, आओ हिमदा के साथ मोमो भरवाते आज। तो वे चलते हैं साथ में घर को, बाय। अभी गाड़ी आड़ी पार्क करके चल रहे ऊपर की ओर, जीजू बंदर भगा रहे नीचे, वो देखो ये जंप। चलते फिलहाल ऊपर की ओर, मौसम बना हुआ है आज फिर से बारिश का, सुबह बारिश हुई थी उसके बाद थोड़ा सा खुल गया था, फिर बादल लग गए, फिर वैसे ही हो गया। और अभी थोड़ा फीवर कम लग रहा था, दवाई नहीं ली मैंने, इसीलिए बिना दवाई लिए आ गया, अभी थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, सिर दर्द भी कम है, तो बढ़िया से चलते हैं अब घर को, फिर चलेंगे भागवत कथा में। पहुंच गए मंदिर में, मंदिर से होके आते हैं। रामू काका वो खड़े हैं, रामू काका नीचे आना थोड़ा, बर्तन निकालने का। और बिरदा होगी तैयारी? ओ ये कोने में मारो, कोने में रामू काका।
ऊपर चल रही पार्थी पूजा फिर से आज आज मिट्टी के शिवलिंग बना के पार्थी पूजा हो रही है। हम चलते अभी घर को। अरे और मुड़न नहीं कौन हो यार अरे यार ये गिन का फट नहीं है यार लकड़ी फाड़ने का काम चल रहा है। तो फिलहाल मैं चलता हूँ घर की ओर और ये नमन लोंग का सामान नमन लोंग को दे के आता हूँ। उनकी दवाइयाँ भी है। चलता घर को दे आया सामान। बारिश भी होने लगी। भागता हूँ घर को फटाफट। देखो बारिश अचानक से पड़ गई। भागो। ये देखो इतना बड़ा जौ किया। ये देखो कितना खून पी रखा इसने। ये खून पी रहा है अलगम जगह पे। अभी सारा खून सारा खून छोड़ देगा। अभी सारा खून छोड़ देगा। गुड इवनिंग गाइस। और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे मंदिर की ओर। ढोलक इसी के अंदर है। ढोलक ढपली और डायरी आरी लेके। हाँ हाँ आगे है जीजू। आज जीजू भी लेट जा रहे हैं हमारे साथ में। मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे सोमी। तीनों जा रहे हैं हम लोग अभी। अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है 5:10। लेट जा रहे हैं हम लोग। चलते हैं मंदिर की ओर। अभी बढ़िया सी धूप भी आ गई है। मौसम सही हो गया। दिन में भी बारिश होने में थी। शाम के टाइम पे खुल गया मौसम। बढ़िया है। गुड इवनिंग। फाइनली पहुंच गए मंदिर में। प्रिपरेशन चल रही है शाम के खाने की। आज भी कुछ डिफरेंट मेन्यू है शायद। आरती हो चुकी है शाम की। मतलब भागवत कथा के बाद की। लेडीज पार्टी के भजन चल रहे हैं उधर। और मैं बैठा हूँ भगवत भाई के साथ में। जो परसों ब्लॉगर दिखाए थे मैंने उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो आज आए हुए आज इनकी मुलाकात हुई है और काफ़ी अच्छा लगा। मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे बात कर रहा हूँ इतना। क्योंकि लास्ट टाइम जब मिला था जिस टाइम इतनी बात नहीं हो पाई थी। अब चैनल के बारे में आपस में अपने आइडिया शेयर कर रहे थे। कुछ बातें भी हुई और फिलहाल बैठे हुए हैं। आज भाई साहब भजनों में भी हमारे साथ में रहेंगे। बहुत मजा आएगी। बहुत एंजॉय करेंगे। और इनके चैनल का लिंक मैं नीचे दे दूँगा। आप जाके वहाँ पे चैनल पे विजिट करना। और वीडियो अच्छी लगेंगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल टाइम हो चुका है आरती का। आरती का समय। तो बैठते हैं ढोलक उलक लेके। सोनू भाई हमारे माइक वाइक फिक्स कर रहे हैं। तो माइक हारमोनियम वगैरह सब कुछ फिक्स होगा। वहाँ आरती चला रहे ताऊ जी। और भाई साहब बैठ गए। हम भी ढोलक लेके बैठ जाते हैं। रो
रोटी बनाई जा रही है यहाँ पे पवन भाई और दीपू भाई के द्वारा। जीजू को बुलाया ऊपर भजन करने के लिए, जीजू के जन्म ही लगे थे आज। आओ मंडली इधर बैठी हुई है, इनकी मीटिंग चल रही है। आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी। ढोलक भी यही था कहीं गोठ में छुपा रखा हमने ढोलक आज। हम पहुंच चुके खाना खाने, हिंदा है सबसे पहले, यहाँ पे खाना चल रहा है, महेशदा लोग सब में बैठे हुए, शिवम भाई भी है हमारे। चलो गाइस तो अभी गाइस खाना आ चुका है, आज है कढ़ाई शाही पनीर और रायता था, रायता मैंने ट्रांसफर कर दिया अहमदा के उसमें, क्योंकि मेरे को ठंडी लगी है, सर्दी लगी है, ये हलवा और रोटी। तो फटाफट से खाना ना खाते फिर भजन कंटिन्यू करते हैं। की लीला यही समाप्त होती है, धन्यवाद। समेटने का काम आज हिमदा कर रहे सुतर। चैनल पे जा रही है ये भगदा को, वीडियो नहीं दिख रही, बताओ कमेंट करके बताओ। हारमोनियम पैक हो गया, अब चलते हैं हम भी घर को। A few moments later. तो गाइस अभी फिलहाल घर पहुंच चुके हैं, 11:38 हो रहा है और अभी चलता हूं सोने और ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूं। होप करता हूं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।